नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं अर्थ न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं हूं शुभम बोगल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गौरव चोपड़ा जी, जो बख्शी नगर वार्ड नंबर 28 से विजेता हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्थ न्यूज़ नेटवर्क में। नमस्कार। तो सर, और हमारे अर्थ न्यूज़ टीम की तरफ से आपको मुबारक भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वार्ड के लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं? देखिए, ये जीत जो है वार्ड नंबर 28 से, ये मेरी जीत नहीं जी, इससे प्योर ट्रिब्यूट टू माय फादर श्री अनिल चोपड़ा जी, जिन्होंने 45 इयर्स कांग्रेस की सेवा की। कभी भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, चाहे उनको पार्टी की तरफ से कभी मैंडेट दिया गया हो चाहे नहीं दिया गया हो। 45 इयर्स उन्होंने कांग्रेस की सेवा की और ये उसी का परिणाम है कि आज बख्शीनगर के लोगों ने, बख्शीनगर के वासियों ने, वार्ड नंबर 28 के लोगों ने इस बात को समझा, मुझे समझा, मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहाँ से जिताया। सर, इस वार्ड नंबर बख्शीनगर की वार्ड नंबर 28 में काफ़ी खस्ता हालत हमें देखने को मिली, गलियाँ भी और नालियाँ भी। सर, क्या काम रहेगा आपका पहला अपनी वार्ड नंबर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 13 साल के बाद चुनाव हुए हैं। 13 साल पहले भी वार्ड नंबर 28 से बीजेपी के कैंडिडेट थे और बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। उस 13 साल के बाद इसमें दो दफ़ा असेंबली की इलेक्शन हुई, जिसमें दोनों दफ़ा एमएलए जो हैं वो बीजेपी के रहे। पहले प्रोफेसर साहब रहे, उसके बाद सर शर्मा जी रहे। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड में बीजेपी वालों के माध्यम से जो यहाँ के लोग सताए हुए थे, जो 13 साल में कभी कोई यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने झूठे वादे किए, और बख्शीनगर के लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया, मेरे पूरे मोहल्ले ने मुझे इतना प्यार दिया, परिवार ने इतना प्यार दिया, पिताजी के जाने के बाद जितना विश्वास मेरे लोगों ने, मेरे पूरे बख्शीनगर के लोगों ने मुझ पर जताया, मैं इनकी कभी पीठ नहीं लगने दूंगा और तन मन धन के साथ पूरे वार्ड की सेवा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी, जिन्होंने कहा कि इनकी वार्ड की काफ़ी खस्ता हाल थी जो हो चुकी है, तो इनका यही है कि इनकी तरफ से तन मन धन की बात की है इन्होंने, कि इनकी तरफ से जितना काम होगा ये अपनी वार्ड में करेंगे। तो ऐसी ही ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अर्थ न्यूज़ लाइव। कैमरामैन रोहित नंदन के साथ मैं शुभम बोगल, अर्थ न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।